नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन को यदि हम हिंदी में कहें तो कहा जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन। इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब होता है किसी भी छोटे प्लांट पार्ट से या किसी भी सेल या टिश्यू से एक नए प्लांट को डेवलप कर देना, क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन को हम या सूक्ष्म प्रवर्धन को हम बड़े विस्तार से देखते हैं। इसकी परिभाषा देखो, माइक्रो प्रोपोगेशन वह तकनीक है जिसमें किसी छोटे प्लांट पार्ट या छोटे प्लांट टिश्यू, एक हमने सेल ले ली या कोई भी छोटा प्लांट पार्ट ले लिया, एक प्लांट टिश्यू प्लांट सेल है या प्लांट का कोई टिश्यू है, को टिश्यू कल्चर की सहायता से या टिश्यू कल्चर टेक्निक में। टिश्यू कल्चर टेक्निक आप सभी जानते हो, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, इसमें हम एक कल्चर मीडियम लेते हैं और इसमें इस कल्चर मीडियम में किसी प्लांट टिश्यू का हम क्या कराते हैं, कल्चर कराते हैं। तो माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है? माइक्रो प्रोपोगेशन वह तकनीक है जिसमें किसी छोटी सेल या छोटे प्लांट टिश्यू को कल्चर मीडियम में टिश्यू कल्चर टेक्निक की सहायता से, टिश्यू कल्चर तकनीक, इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर तकनीक की सहायता से पहले क्या बनेगा, यहाँ पर कैलस बनेगा और उसके बाद इससे एक नया पौधा बन जाएगा, ये नया प्लांट बन गया, ये क्या बन गया, मान लो एक नया प्लांट बन गया। तो इसको कहा जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन। यानी माइक्रो प्रोपोगेशन वह तकनीक है जिसमें किसी छोटे से प्लांट के छोटे पार्ट टिश्यू या सेल को टिश्यू कल्चर टेक्निक की सहायता से नए पौधे में डेवलप किया जाता है, नया पौधा बनाया जाता है, उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। यानी माइक्रो प्रोपोगेशन यदि कहा जाए तो एक तरह से टिश्यू कल्चर की सहायता, टिश्यू कल्चर तकनीक का यूज करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन में। माइक्रो प्रोपोगेशन कुछ भी नहीं, पौधे का कोई भी छोटा पार्ट लेकर के एक प्लांट बना देना माइक्रो प्रोपोगेशन है। यानी अब ये प्लांट बनेगा कैसे, टिश्यू कल्चर टेक्निक की सहायता से। तो माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है, किसी भी सेल पौधे के किसी भी सेल या किसी भी टिश्यू से नया प्लांट बनाना क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। लेकिन वो माइक्रो प्रोपोगेशन, ये नया प्लांट हम किसकी सहायता से बनाएंगे, इस सेल या टिश्यू को हम कायम डालेंगे पैसे, पहले टिश्यू कल्चर टेक्निक की सहायता से हम नया प्लांट बनाएंगे, ठीक है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन किसी पौधे के सेल या टिश्यू से नए प्लांट को बनाना टिश्यू कल्चर कहलाता है, के लिए एवो माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। लेकिन वो नया प्लांट हम बनाते किससे हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक की सहायता से, टिश्यू कल्चर में हम इसको डालते हैं। अब बात आती है कि माइक्रो प्रोपोगेशन तो समझ में आ गया कि किसी भी सेल या प्लांट से, किसी भी सेल या टिश्यू से टिश्यू कल्चर तकनीक की सहायता से नए प्लांट को बनाना क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। अब मैं आपको ये बता देता हूं, मतलब सीधी बात है, यदि आपको माइक्रो प्रोपोगेशन कराना है तो आपको यूज करना पड़ेगा टिश्यू कल्चर टेक्निक। क्या यूज करनी पड़ेगी, टिश्यू कल्चर टेक्निक। माइक्रो प्रोपोगेशन बिना टिश्यू कल्चर टेक्निक के नहीं होता है, क्योंकि हमको माइक्रो प्रोपोगेशन में किसी भी प्लांट की सेल या टिश्यू से नया पौधा बनाना है। क्या बनाना है, प्लांट की टिश्यू या सेल से नया प्लांट बनाना है, छोटी सी प्लांट टिश्यू या सेल से। अब बात आती है कि टिश्यू कल्चर क्या है। यदि आपने कहा कि टिश्यू कल्चर तकनीक की सहायता से माइक्रो प्रोपोगेट करते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन करते हैं, तो टिश्यू कल्चर क्या है। देखो, टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है, कुछ भी नहीं है। टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या होता है, टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम क्या करते हैं, कोई भी एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया, उसमें डालते हैं कल्चर मीडियम। क्या डालते हैं, कल्चर मीडियम। ये हमने कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर है, टेस्ट ट्यूब ले ली या कंटेनर ले लिया, कोई भी कंटेनर ले लिया या टेस्ट ट्यूब हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, कंटेनर कोई बर्तन ले लिया, ये क्या है, इसमें कल्चर मीडियम, क्या है, कल्चर मीडियम है। अब ये टिश्यू कंटेनर है, ये कल्चर मीडियम है, तो इसमें क्या करना है हमको, ये कल्चर, ये सूटेबल कंटेनर है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्या करा, ये कल्चर मीडियम रख दिया,
अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसकी यदि हमें टिश्यू कल्चर कराना है तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से जमाते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया वायरस इसमें नहीं होना चाहिए। तो हम कहते हैं ये कंटेनर जो है ना, स्वीटेबल कंटेनर लिया हमने, क्या लिया, स्वीटेबल कंटेनर। अब स्वीटेबल कंटेनर लिया तो ये एसेप्टिक होना चाहिए, ये कंडीशन पूरी कैसी होना चाहिए, मान लो हम इस कमरे में कर रहे हैं, इस कमरे में हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, तो ये कमरा भी कैसा होना चाहिए, एसेप्टिक होना चाहिए। इस कमरे में यदि हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो ये कमरा भी कैसा होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। तो नंबर एक तो कल्चर मीडियम भी कैसा होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। इस कल्चर मीडियम में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया वायरस वगैरह नहीं होना चाहिए। एक कंटेनर भी सूटेबल होना चाहिए, जहां हम कल्चर मीडियम कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, वो रूम भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए। नहीं तो यहां पर इस कल्चर मीडियम में हमको कराना सेल का कल्चर है और हो जाएंगे बैक्टीरिया कल्चर। तो नंबर एक क्या होना चाहिए कि एक तो ये जो है ये कैसी होना चाहिए, एसेप्टिक कंडीशन होना चाहिए, पूरी कैसी कंडीशन होना चाहिए, एसेप्टिक कंडीशन होना चाहिए। यानी कल्चर टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम जिसका यूज कर रहे हैं, जैसे कंटेनर का यूज कर रहे हैं, तो कंटेनर भी कैसा होना चाहिए, एसेप्टिक होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कल्चर मीडियम भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एसेप्टिक होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, और ये रूम जिस इनाकुलम चैम्बर में हम क्या कर रहे हैं, कल्चर मीडियम कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, वो भी कैसा होना चाहिए, वहां भी बैक्टीरिया वायरस नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो जैसे ये इनाकुलम चैम्बर है, पूरा क्या है, मान लो ये चैम्बर है, तो इसके लिए तो हम क्या करते हैं, इस चैम्बर के लिए इसमें हम अल्ट्रावायलेट रेस का यूज कर देते हैं। आपको पता है जैसे ऑपरेशन थिएटर वगैरह में, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, ऐसा इस तरह से ऐसी अल्ट्रावायलेट रेस का यूज कर देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस पूरे चैम्बर में चली जाती है, तो ये पूरा चैम्बर जो है यहां पर बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाते हैं। इस कंटेनर को, इस कल्चर मीडियम को हम एक टेक्निक होती है, एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं ऑटोक्लेव, आप लोगों ने सबने सुना होगा, एक यंत्र होता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में हम इस कल्चर, इस जो जो कंटेनर है या टिश्यू कल्चर मीडियम है, इसको क्या करते हैं, ऑटोक्लेव में क्या कर लेते हैं, ऑटोक्लेव्ड कर लेते हैं, इसको रख देते हैं ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव में जो टेम्परेचर होता है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 से 30 मिनट तक हम इसको रख देते हैं, किसको, इस कंटेनर को, कल्चर मीडियम को, और जो जो इसके अंदर कल्चर मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट को जो जो यूज हो रहे हैं उसको हम ऑटोक्लेव के अंदर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट के लिए रख देते हैं। 15 से 30 मिनट के लिए जब इसको रखा जाता है ऑटोक्लेव के अंदर, इस पूरे इसको, तो क्या होता है कि जितने भी इसके अंदर बैक्टीरिया वायरस होते हैं, जहां भी बैक्टीरिया लगे होते हैं, वो इनका क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस कारण क्या होता है, कल्चर प्रॉपर होता है। नहीं तो अपन कल्चर करना चाह रहे हैं सेल का, प्लांट सेल का, और यहां पर अगर बैक्टीरिया है तो उनका कल्चर हो जाएगा, तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम मेनली किसका यूज करते हैं, कल्चर ऑटोक्लेव का यूज करते हैं, काय के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए, काय के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए। और पूरे चैम्बर को, यदि कमरे को आपको ऑपरेशन थिएटर में जो होती है अल्ट्रावायलेट रेज लगी होती है, तो पूरे बैक्टीरिया वायरस को, अल्ट्रावायलेट रेज भी बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करती है। देखें अब हम देखते हैं कि टिश्यू कल्चर है क्या, टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होती है। यदि अपन देखें टिश्यू कल्चर टेक्निक किसे कहते हैं, वो देखिए, टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है एक तरह से वह तकनीक है जिसमें हम किसी टिश्यू, जैसे हमने कहा ये, मान लो मैंने कहा ये कंटेनर है, इसके अंदर ये भरा है कल्चर मीडियम, क्या भरा है, कल्चर मीडियम, ठीक है, ये कल्चर मीडियम भरा है। अब टिश्यू कल्चर में ये कल्चर मीडियम भरा है, हमने यहां पर डाली कोई भी सेल डाल दी, ये मान लो मैंने सेल या टिश्यू डाली, तो टिश्यू कल्चर क्या है, वह तकनीक है जिसमें हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर कल्चर मीडियम लेते हैं, और उसमें किसी सेल या टिश्यू की, ये सेल है या टिश्यू की, हम क्या कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं, और ग्रोथ कराया जाता है, और उनका हम यहां पर डिफरेंशिएशन भी कराते हैं, और नया एक प्लांट या एम्ब्रॉयड बना देते हैं, नया
तो ये जो है किसी टिश्यू कल्चर वह तकनीक है जिसमें किसी कंटेनर में कल्चर मीडियम में किसी कंटेनर में कल्चर मीडियम में किसी सेल या टिश्यू का कल्चर कराया जाता है, इसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। और इस सेल की फिर वृद्धि होती है। अब आपको सबको पता है कि जब ये सेल है तो ये सेल जो है बाद में क्या बनती है, यहाँ पर एक कल्चर मीडियम है, इस सेल की वृद्धि होती है। तो इस सेल की वृद्धि होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये सेल वृद्धि करेगी और एक ऐसा सेल का गुच्छा बन जाता है, सेल का ऐसा गुच्छा बन जाता है। और इस सेल के गुच्छे को कहा जाता है कैलस। क्या कहा जाता है, इस सेल के गुच्छे को कहा जाता है कैलस। कैलस क्या है आप सभी जानते हो, कैलस जो होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड कैसा होता है। कैलस अगर देखा जाए तो कैलस क्या है, कैलस एक क्या है, अगर हाँ कैलस की परिभाषा क्या है, व्हाट इज कैलस। आप सभी जानते हो कि टिश्यू कल्चर में जब हम किसी सेल या टिश्यू का कल्चर कराते हैं तो वो सेल या टिश्यू जो है का कल्चर होता है उसकी वृद्धि होती है। सेल या टिश्यू क्या होती है, वृद्धि होती है। और वृद्धि करके एक सेल का मास बनता है, एक सेल का गुच्छा बनता है। इस सेल का मास कैसा होता है, इस सेल का मास होता है इसे हम कैलस कहते हैं, जो सेल का मास बनता है इसे कैलस कहते हैं। ये नंबर एक तो इरेगुलर होता है, कैसा होता है, इरेगुलर होता है। दूसरा अनऑर्गेनाइज होता है, अनऑर्गेनाइज होता है। और तीसरा, पहला तो इरेगुलर होता है, अनियमित होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, असंगठित होता है, और अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। कैसा होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड अविभेदीकृत, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। और आपको ये बताएं, इसकी जो सेल होती हैं वो बहुत तेजी से विभाजित होती हैं। क्या होती हैं, बहुत तेजी से उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो यदि हम कैलस की बात करें तो कैलस क्या है, कैलस क्या है, इरेगुलर, अनऑर्गेनाइज, अनडिफ्रेंशिएटेड, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, मास ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। कैलस इज ए मास ऑफ इरेगुलर, अनऑर्गेनाइज, अनडिफ्रेंशिएटेड, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। कैलस जो है वो अनियमित, असंगठित, अविभेदीकृत कोशिकाओं का, सक्रिय रूप से विभाजित कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, उसे हम बोलते हैं कैलस। एक कैलस होता है, ठीक है। फिर कैलस में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, कैलस में विभाजन होता है, कैलस में डिफरेंशिएशन होता है, विभेदीकरण होता है, या मॉर्फोजेनेसिस होता है। क्या होता है, यदि हम इसी को देखें, अब कैलस जैसे मैंने कहा है, कैलस है, अगर मैंने कहा ये जो है इस सेल का मास कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम में हमने क्या करा, ये सेल का एक मास बना दिया और इसी में अब हमने विभेदीकरण कर दिया, जड़ बना दी और तना बना दिया, तो ये क्या हो गया, विभेदीकृत हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड हो गया। इसमें हम क्या डालेंगे, एंजाइम या हार्मोन का यूज करेंगे। यदि हमने एंजाइम हार्मोन का यूज करा, हार्मोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इनका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो क्लियर समझ में आ रही, कैलस क्या है, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं, टिश्यू कल्चर वह तकनीक है जिसमें किसी उपयुक्त माध्यम में, उपयुक्त संवर्धन माध्यम में, उपयुक्त कंटेनर में, ये सेप्टिक कंडीशन में किसी भी सेल या टिश्यू का कल्चर कराया जाता है। किसी भी सेल या टिश्यू को क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, या डिवाइड किया जाता है या डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसमें सेल जो है वो डिवाइड होती हैं और गुच्छा बनाती हैं जिसे कैलस कहते हैं। कैलस का डिफरेंशिएशन होता है जिससे क्या बनता है, कैलस का डिफरेंशिएशन या मॉर्फोजेनेसिस भी कहते हैं। कैलस के डिफरेंशिएशन को हम मॉर्फोजेनेसिस भी कहते हैं। तो कैलस का डिफरेंशिएशन होता है या मॉर्फोजेनेसिस होता है और एक नए प्लांट का निर्माण होता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर टेक्निक की खोज जो है, हम देखें टिश्यू कल्चर तकनीक जो है उसकी खोज जो है, या टिश्यू कल्चर तकनीक को सर्वप्रथम यदि देखा जाए तो 1902 में एक वैज्ञानिक थे, हैवरलैंड, हैवरलैंड ने सबसे पहले 1902 में
इसको खोजा था, ठीक है। इसको सबसे पहले टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज किया था हेवरलैंड ने 1902 में, और टिश्यू कल्चर तकनीक को सर्वप्रथम सफलतापूर्वक यदि किसी ने वो किया था तो वो किया था भाइट ने। सबसे पहले टिश्यू कल्चर तकनीक का सफलतापूर्वक टोमाटो रोट पर इन्होंने किसी ने किया था तो वो किया था भाइट ने 1932 में। किसने किया था? 1932 में किसने? भाइट ने। भाइट ने टिश्यू कल्चर तकनीक को सबसे पहले यूज किया था, ठीक है। किसने? भाइट ने। तो इन्होंने सफलतापूर्वक यूज किया था, इन्होंने प्रयास किया था। हेवरलैंड को हम फादर ऑफ टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, हेवरलैंड को हम फादर ऑफ टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, क्योंकि टिश्यू कल्चर तकनीक की खोज को सबसे पहले इन्होंने ही प्रारंभ किया था, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम नेक्स्ट पार्ट माइक्रो प्रोपोगेशन नंबर 2 में लेंगे, माइक्रो प्रोपोगेशन पार्ट 2 में। इसके बारे में हम आपको MCQ बताएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक और एक क्वेश्चन आता है कि हम जो टिश्यू कल्चर टेक्निक में यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो जो प्लांट का पार्ट हम यूज करते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक में उसको बोलते हैं एक्सप्लांट। क्या कहा जाता है? एक्सप्लांट कहा जाता है। टिश्यू कल्चर टेक्निक में जो प्लांट पार्ट यूज किया जाता है उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम अगले MCQ वाले पार्ट में लेते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन 2। धन्यवाद।